जी सर जी, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि शौक कितने अच्छे से और कब से चल रहा है? शौक तो काम करना है मुझे बचपन से है, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिए थे, कराची शिफ्ट हो गया, तो ये 4 साल हो गए कि अभी ये दोबारा से जो है ये शौक हुआ। अच्छा, तो उस्ताद चौधरी सईद साहब के आप शागिर्द हुए, माशाल्लाह बहुत बड़ा और समझूदा और बड़ी ही एक अहम शख्सियत है पाकिस्तान की, जो उस्ताद आपने सुने तो उनका मतलब उनकी जो सारी खिदमत है कबूतर परवरी में उनके वाले साहब की, तो आपको कि ये कैसे एक मोटिवेशन आई कि मैं यही उस्ताद जो है इनको चूज करूँ? बस उनका नाम है, मतलब मतलब जहाँ भी उनका नाम आता है तो एक हिस्ट्री लिखी जाती है, तो इसी से मैं भी मुतासर हो गया कि मैंने भी उनको जो है अपना उस्ताद चुना। अच्छा, तो उनको कैसा पाया फिर उसके बाद? बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं और अपने शरीफों का बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब जो भी उनसे हेल्प हो, ये नहीं कि जिस तरह उस्ताद करते हैं कि मैं फ़ोन करता हूँ, मैं बताता हूँ, उनको जब भी फ़ोन किया उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। अच्छा, यही चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगती है। अच्छा माशाल्लाह, ये डिफेंस में कबूतर रखना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी जो आपका मेन शौक है वो किन कबूतरों का है? शौक तो जो है मतलब इस वक्त सारी दुनिया को टैडी, लेकिन मुझे सियालकोटी कबूतर भी अच्छे लगते हैं, टैडी भी हैं, कमकर भी हैं। शौक तो वैसे मतलब ज़्यादा अच्छा कसूरी कबूतरों का, इनका मिक्स ही करके होता है, जैसे आपको पता है कबूतरबाजी कम्प्लीट में इसी तरह से। तो अभी जनाब उस्ताद चौधरी सईद साहब के ये शागिर्द साकिब शहजाद साहब ऑफ कराची, इनके कबूतरों का आज शौक करते हैं, तो कुछ कबूतर दिखाएं जरा जी। ये बटेरा कबूतर है जी। क्लियर है? ये जनाब साकिब शहजाद साहब के बटेरे कबूतर आपको दिखा रहे हैं, मेन ब्रीडर कबूतर हैं इनके, ये डिफेंस में उन्होंने अपने घर में ये शौक किया, ब्रीडिंग सेटअप है इनका और बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका एक जो है बड़ा सेटअप बनने वाला है, कराची से बाकायदा तौर पे कबूतर परवरी की इब्तदा करेंगे और एक बहुत ही आला छत बनाएंगे माशाल्लाह जी, बहुत आला कबूतर। ये उस्ताद साहब की तरफ से गिफ्ट आया हुआ कबूतर है। अच्छा, ये उस्ताद चौधरी सईद साहब की तरफ से आया हुआ है टैडी कबूतर। ये जनाब साकिब शहजाद साहब ऑफ कराची, बहुत ही जो है मिलनसार बड़े अच्छे इंसान, इनके साथ हमारी काफ़ी अच्छे से बातचीत और आज इनके कबूतर देखे तो मज़ा आ गया देख के कि जिस तरह के ये हैं उसी तरह से इन्होंने कबूतर भी बड़े आला पाए के रखे हैं और बड़ा ही कमाल इनका जो है ये शौक जो हम आपको दिखा रहे हैं और बड़े सेलेक्टिव पेयर्स हैं जो रखे हुए और बहुत खूबसूरत अंदाज से उनकी काबिलें भी बनी हुई हैं जिनमें ये अंडे बच्चे कर रहे हैं, बड़ा इनको नेचुरल साइड माहौल है जो कबूतरों के लिए बड़ा फेवरेट है उनका, तो उस तरह का पूरे साइज की काबिलें हैं। ये सर कौन सा जोड़ा? ये कबूतर है मेरा, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, चूहे ये सारे ही स्लेटी निकलते हैं कि जौंसरे भी होते हैं? नहीं नहीं, ये स्लेटी निकालते हैं। ये मादा लगी हुई है जी जनाब साकिब शहजाद साहब की। साकिब भाई, इनके रिजल्ट्स कोई चेक हुए हैं? किए हैं इनके रिजल्ट अभी नहीं किए क्योंकि मैंने तो अभी ब्रीडिंग का शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह इस साल के एंड तक जो है इसका रिजल्ट देंगे आपको इंशाल्लाह। साकिब भाई के साथ इनके उस्ताद मोहतरम के जो फर्जंद हैं जनाब चौधरी आसिम सईद साहब, उनका मेरा ख्याल दिन में भी 10 दफ़ा कॉन्टेक्ट होता है, मुस्तकिल कॉन्टेक्ट में है वो इनके साथ और ये दोनों बड़े मशवरे से करते हैं। अच्छा, ये उस्ताद चौधरी सईद साहब के रिजल्टेड कबूतर हैं। ये देखें जी, ये कमगर कबूतर है, इनको इसकी आँख ज़रा शाइन, हाँ ये देखें जी, ये कमगर कबूतर है,
उस्ताद चौधरी सईद साहब के घर के कसूर के ये कबूतर कसूर की छत से आए हुए उनके शागिर्द जनाब साकिब शहजाद साहब की छत पर आपको नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही शानदार कबूतर है जी। मज़ीद कबूतर भी आपको दिखाते हैं जी हमारे साथ रहिएगा।